ये जैसे कि चाइना में ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, ये ग्रेट वॉल ऑफ कुंभलगढ़ है। बहुत ही फेमस कुंभलगढ़ दुर्ग है, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है। कुंभलगढ़ दुर्ग से अपन को पूरा मारवाड़ दिखता है। दोस्तों अपना टास्क है वो टेंपल तक जाने का। इसका मेरे को जो छत है ना वो छत काफी इंटरेस्टिंग लगा। एक्चुअली क्या ये जो कुछ ब्रॉक हो गए थे, हाँ, ये हम शॉर्टकट लेते हुए दीवारों के सहारे बात है। सुश्राम जी कल सांप देखा हमने, गजब सांप। किले की चढ़ाई कर रहे हैं हम। हमेशा कुछ कदम के बाद खूबसूरत जगह होती है। वाकई में। ओह वाओ, लुक एट दिस टेंपल मैन, क्रेजी। किसी मूवी का सेट लग रहा है ये। दे ऑल आर बिलोंग्स टू द महाराणा प्रताप सोल्जर्स। हाँ, किले में रह रहे हो इतने बड़े सालों से। महाराणा प्रताप जी थे, उनकी जो फौज थी उसमें मुसलमान लोग थे। जैन टेम्पल देख लिया, मजार भी दिख गए हमें। तो ये हम आप एंटर कर रहे हैं कुंभलगढ़ फोर्ट में। ये फर्स्ट एंट्री गेट है, ये देखिए जी। और ये पहला पेड़ अब आता। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। हमारे साथ तुलसीराम जी। और कहाँ ले आए तुलसीराम जी हमें आप? सर आज अपन कुंभलगढ़ दुर्ग आ गए हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग मेवाड़ का बहुत ही फेमस कुंभलगढ़ दुर्ग है, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है। और ये दुर्ग एक ऐसा दुर्ग है हिंदुस्तान में जो अनकंकर्ड है। अनकंकर्ड बिल्कुल सर, ये किसी के अधीन नहीं रहा। और बहुत ही सेफ दुर्ग है, आफ्टर चाइना 36 किलोमीटर लॉन्गेस्ट वॉल यही। फ्रेंड्स आज हम है कुंभलगढ़ में, कुंभलगढ़ का आए हैं किला देखने। बहुत सालों से मैं ये जगह देख रहा था और मेरे को बड़ा फैसिनेट करता था क्योंकि 36 किलोमीटर की वॉल है यहाँ पर। ये जैसे कि चाइना में ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, ये ग्रेट वॉल ऑफ कुंभलगढ़ है, ठीक है जी। तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ मैं। और तो और जैसे मैं आपको कल से बता रहा था कि राजस्थान में कितने अलग अलग तरीके के का टूरिज्म है, यू नो, तो ये फोर्ट्स भी राजस्थान के बहुत बहुत बढ़िया हैं। तो और आज हम देखेंगे कुंभलगढ़ का फोर्ट। चले, कुंभलगढ़ दुर्ग इतना इम्पोर्टेंस अंदर जाके नहीं है। अच्छा, अंदर सारे जैसे कि एम्प्टी रूम्स हैं। हाँ जी, पैलेस में हर जगह होता है जैसे। हाँ। और जो इसकी अहमियत है ना, वो एक अपने को थोड़ा सा एक डिस्टेंस है। हाँ। इसका एक मैजेस्टिक व्यू का फोटोग्राफ लेने का। करेक्ट बात है। और वो पॉइंट अपने यहाँ पर प्रेस कर रखा है। आओ चले। और यहाँ से अपन को वॉल और फोटो दोनों ही बहुत बढ़िया जो फंटास्टिक फोटोग्राफ आएगा ना, वो यहीं से आएगा। आइए जी। ब्यूटीफुल, अमेजिंग। यह सर कुंभलगढ़ दुर्ग जो सामने दिख रहा है अपन को। हाँ जी, वो कुंभलगढ़ दुर्ग महल है मेन। हाँ। महाराणा प्रताप का जन्म स्थल पॉइंट है। वहाँ पर एक ऐसा रूम है जिसमें महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। अच्छा जी। और महाराणा प्रताप की बाल्यकाल यहीं बीता था। और महाराणा कुंभा ने इसको बनाया था। और कुंभा ने इसको इस तरह से एक छोटी सी हिल की हाइट पे बनाया, मगर इस हाइट की अहमियत यह है कि यहाँ से पूरा मारवाड़ स्टेट दिखता है। क्यों टाइम ऑफ द पीरियड राजस्थान हैव 25 प्रिंसली डायनेस्टीज, सो लाइक दैट उदयपुर इज आल्सो वन ऑफ डायनेस्टी, दैट्स वी कॉल मेवाड़। एंड देन द मारवाड़, मारवाड़ इज लाइक जोधपुर जैसलमेर बाड़मेर बीकानेर। तो कुंभलगढ़ दुर्ग से अपन को पूरा मारवाड़ दिखता है। अभी थोड़ा सा हेजी है, बादल है, परफेक्ट व्यू नहीं आ पाएगा, मगर जब क्लियर होता है वेदर तो पूरा दिखता है। ठीक। उसके बाद फिर अपना ये वॉल है पूरा। ये वॉल देखिए, वॉल इतना चौड़ा है कि 8 हॉर्सेस टुगेदर वॉक कर सकते हैं ऊपर वॉल के ऊपर। क्या बात है जी सर। और ये 36 किलोमीटर लॉन्गेस्ट है। बहुत बढ़िया, तो बहुत ही बेहतरीन था ये व्यू पॉइंट। यहाँ से आपको पूरा ये मतलब पूरा तो आप वॉल का भी नहीं देख सकते, लेकिन एक लंबा स्ट्रेच आपको वॉल का दिखता है। और ये जो व्यू पॉइंट है यहाँ पर कोई एडवेंचर पार्क सा भी है, तो इफ यू आर विद किड्स एंड यू कैन हैव अ nice time. So now we will go inside the fort. Let's go. Wow, look at this majestic fort. And here we are entering the fort. Thank you.
आर हेरिटेज आर ग्लोरी। नाइस। ये देखिए जी, ये है यहाँ का टिकट प्राइसेस। हम हैं भारतीय नागरिक तो 40 रुपए, विदेशी नागरिक 600 रुपए। कुंभलगढ़ दुर्ग में पधारते हुए क्या बात है। अब अगले 1-2 घंटे हम यहीं पे भ्रमण करेंगे। तो जस्ट नाउ ही कंफर्म्ड वेदर वी हैव ड्रोन और नॉट। Wow, it felt a little bad. Why don't we have a drone? ये वेदी मंदिर समूह, तो वेदी टेम्पल्स का ये पूरा समूह है। ये देखिए जी, आप इसको धीरे धीरे पढ़ सकते हैं पॉज मार के। फोटोग्राफ के लिए आप फॉलो कर सकते हैं लेट्स ट्रिप इंडिया, हमारा फेसबुक पेज भी। ये गुंबदगढ़ का बिल्ड अपना बन गया था ना? हाँ जी। लास्ट का फाइनल जो यज्ञ भी करते हैं ना, यज्ञ। हाँ जी। उसके लिए यही यज्ञ विधि है। अरे वाह। यज्ञ करने के लिए बनाया गया। क्या बात है। ये देखिए जी, नाइस। हवा बहुत बढ़िया चल रही है। और यहाँ पे भी देखिए कार्विंग्स हैं, काफ़ी पुरानी हो गई है, करीब करीब 600 साल पुराना है ये टेंपल, ये पूरा। हाँ वाह। ये भी देखिए ब्यूटीफुल। तो इस जगह पे ये 2 कॉम्प्लेक्सेस हैं। ये देखिए जी क्या बात है, ये सीलिंग यहाँ का। वाह। ये दूसरा काफी ठंडा कमरा है, ये बहुत बढ़िया। वॉल का रास्ता जा रहा है यहाँ से, हम यहाँ से वॉल पे चढ़ जाएंगे। ये पहली जगह है जो करनी चाहिए अपने को। वेरी नाइस। आज से हमारे उदयपुर में 50 साल पुराने, मतलब 50 साल से गाइडिंग का काम करते हैं। हाँ। मेरे अच्छे मित्र हैं। हाँ। मिस्टर शेख। अच्छा। उनका जो तौर तरीका है टूरिस्ट को घुमाने का। हाँ। वो थोड़ा हटके। अच्छा। वो जब भी कुंभलगढ़ दुर्ग आते हैं तो महल के अंदर नहीं जा करके। हाँ। कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार के अंदर आके फिर दीवार के ऊपर वॉक और सारे स्मॉल टेम्पल्स और एडवेंचर्स पैदल। हाँ। ट्रेकिंग करते हैं। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। उसको मजा आता कुंभलगढ़ दुर्ग देखने। ओए ओए ओए, क्या भाई, देखिए दोस्तों। ये देखिए जी व्यू, यहाँ से देखिए दोस्तों, ये व्यूज हैं वो टेंपल के। तुलसीराम जी बता रहे हैं कि टोटल 108 टेंपल्स हैं। टेंपल हैं यहाँ पर, देखिए एक वो टेंपल भी है, फिर आगे भी हैं, ये टेंपल्स भी हैं। वो कोई शिव टेम्पल है वो? ये शिव टेम्पल, ये सामने। हाँ। ये वाला? ये वाला, अरे वाह, ये वाला जी शिव टेम्पल है। बहुत ही सही, क्या लोकेशन पे है, बहुत बढ़िया। ये देखिए तो ये ऊपर महल है और नीचे उनका किला है और किले के अंदर फिर महल है। बस्तियां भी होंगी यहाँ पर? हाँ सर, गांव है ना। गांव है, ये कुंभलगढ़ गांव बसा हुआ सामने। हाँ। ये देखिए जी, लोग हैं जो टाइम ऑफ द पीरियड से यही रहते हैं, आए अंदर। हाँ। आज भी रहते हैं, बाकी 2-3-4 विलेज और हैं अंदर। हाँ, पूरे एरिया। हाँ, में। हाँ, क्या बात है। चलिए नाउ वी आर गोइंग फॉर अ वॉक। इस वॉल के किनारे किनारे हम लोग करेंगे वॉक और नजारों का मजा लूटेंगे। पूरा वॉल मतलब बहुत पूरा वाइड है एकदम। हाँ, ये देखिए पूरा बहुत वाइड है। ये कहते इस पे 8 घोड़े चल सकते हैं। क्या बात है, वेरी नाइस। तो यहाँ पर बड़े सारे ये मंदिर हैं।
वो तो सामने मेरे को ना मंदिर जो है वो काफी इंटरेस्टिंग लगा, तो हम वहां तक तुलसीराम जी को घसीट के थोड़ा ले जाएंगे, थोड़ा कसरत करवाएंगे। आइए दोस्तों, अपना टास्क है वो टेंपल तक जाने का, और उसका अब हम फॉलो करते हुए। हाँ बंदर है, देखिए क्या बात है। देखिए हम शॉर्टकट लेते हुए दीवारों के सहारे, क्या बात है। तो दोस्तों वैसे तो रास्ता ये यहाँ से पीछे से आने का था, लेकिन हमने शॉर्टकट मार लिया। तुलसीराम जी कल सांप देखा हमने, गजब सांप। अच्छा। वो ट्रैक करके गए थे हम। अच्छा। और वो कुंड था, कुंड में खूब सारी मछलियां थी। अच्छा। और सांप था, मजेदार सांप। देखिए ये थोड़ा व्यू चेंज हो गया। अच्छा, धूप पूरी नहीं है। हाँ बहुत बढ़िया मौसम है, और ये मंदिर में भी हम आ गए, क्या बात है। उस तो बहुत ही मजा आ रहा है, क्योंकि ये देखिए ये घासें हो गई हैं यहाँ पर, फ्लावर्स। ये देखिए फूल, वाह क्या बात है। फाइनली सी वी आर एट दिस टेम्पल। इसका मेरे को जो छत है ना वो अच्छा, वो छत काफी इंटरेस्टिंग लगा। एक्चुअली क्या ये जो कुछ ब्रोक हो गए थे, हाँ तो उसके लिए वजह से क्या इसको पास रिपेयर करके थोड़ा एक डॉम्स टाइप। हाँ हाँ हाँ। आओ आप तो उधर बोलोगे, आप तो वही जाना है, वही एक से एक खजाने निकलेंगे। ये, ये भी वही मंदिर है क्या? वही एक और मंदिर आ गया क्या? हाँ बहुत तगड़ा मंदिर है। हाँ ये तो बहुत बढ़िया मंदिर लग रहा है। अरे सर वो तो मजेदार चीज, वहां तो जाना पड़ेगा। ये जो वॉल है इस पे तो हम मुश्किल से अभी आधा किलोमीटर चले होंगे, लेकिन ऐसे चलते रहे तो 36 किलोमीटर तक आदमी चल सकता। ये देखिए, और मैं एक पॉइंट पे आता हूँ तो मैं उसको अगला पॉइंट दिख जाता है बढ़िया। वो देखिए वहाँ पर हम फिर टॉप पे जा रहे हैं, अब तो हम वहीं तक ही जाएंगे, क्या बात है। दोस्तों आई एम ओवरवेल्म्ड, मैंने कई किलो में मैं गया हूँ, और हर किले की कुछ ना कुछ अलग खासियत होती है, कुछ ना कुछ बहुत यूनिक होता है, पर ऐसा फोर्ट मैंने नहीं देखा, मैंने इमेजिन भी नहीं किया था। मैं सोचता तो था कि 36 किलोमीटर की दीवार तक क्या क्या होता होगा, पर यह तो यहाँ की लोकेशन इतनी बढ़िया है ना अरावली हिल्स की। ये देखिए जी क्या मिल गया पड़ा हुआ। दोस्तों ये जा रही है सीढ़ियाँ, अब आई थिंक नेक्स्ट फेज नेक्स्ट पार्ट जो होगा वॉल का, वहाँ तक जाने के लिए तो ऊपर चल के देखेंगे क्या व्यू मिल रहा है। और ये मेरे को तो ये सीढ़ियाँ बड़ी मस्त लग रही हैं। सो हेयर वी स्टार्ट आवर असेंट, किले की चढ़ाई कर रहे हैं हम, गुड। और यहाँ से हम आपको दिखाते रहेंगे कि क्या व्यू मिल रहा है। देखिए वो किलवाड़ा है सामने, यहाँ पर सारे होटल्स हैं, सो नाइस, लेट्स गो अप। ये देखिए जी, और वो सामने टॉप पे महल, ब्यूटीफुल, लेट्स गो अप। एंड तुलसीराम जी हेलो। वाह ये देखिए ऊपर आने का फायदा, क्योंकि यहां से दिख रहा है हमको दूसरी साइड का व्यू, क्या बात है। और ये देखिए ये इधर उतर जाता है रास्ता, अमेजिंग। अब ये किले की सीढ़ियाँ नीचे की तरफ घूम गई हैं, ये देखिए भाई साहब, और ये चला जाएगा नीचे, फिर घूम के आ जाएगा उधर, फिर वहाँ से थोड़ा ज़िगज़ैग लेके आ जाएगा आपका इधर, और वो देखिए वो पूरा चल रहा है, वो पूरा
किले की ये वॉल। तो ऐसे करके ये घूमते हुए टोटल 36 किलोमीटर है और पूरी 37 किलोमीटर पर इतना चौड़ा, इससे ज़्यादा चौड़ा बना हुआ है यू नो वॉकवे। और ये देखिए आपका व्यू अमेजिंग, सामने वो होटल्स हैं और ये गजब। और यहाँ से देखिए ये दिखता है महल, इज़न्ट इट अमेजिंग फ्रेंड्स। ये देखिए थोड़ा सा मीडो है ऊपर और यहाँ मीडो से हम देखेंगे व्यू दूसरी तरफ का। ये देखिए वो जो किले की दीवार कंटिन्यू हो रही है, वो देखिए वो भी एक पार्ट है किले की दीवार का। और ऐसे घूमते हुए वो उधर पहाड़ी पे, वो भी देखिए वो पहाड़ी पे भी है वो किला। ऐसा घूम के इट विल कम बैक टू दिस महल। सो दिस फ्रेंड्स इज द वॉल ऑफ कुंभलगढ़। ये चीज पता करने आए, कई बार लोग देखते हैं ना हाँ, कि वॉल पूरा कहाँ है नहीं है हाँ, आगे आगे ही है क्या, आगे ही आगे है, जबकि देखो वॉल पूरा है, पूरा है, पूरा चल रहा है। थोड़े हमेशा ना ये मेरा है, हमेशा कुछ कदम के बाद खूबसूरत जगह होती है वाकई में। जहाँ तक पहुंचो आप, लद्दाख तक भी पहुंच जाओगे ना, उसके आगे चले जाओगे नुब्रा, वो भी खूबसूरत है, उसके आगे पैंगोंग वैसे ही है, और थोड़े कदम पे खूबसूरती दिखती है। क्या बात है सर, आपको अच्छा घुमाया मैंने कुंभलगढ़, फिर मजा आ गया, घुमाने वाले तो हम हैं, मजा लूटने वाला सही घूमता है और घुमाता है। दोस्तों यहाँ पर आना शायद अलाउड सा नहीं था और रास्ता भी रुका हुआ था बीच में, बट लोगों का मन भी नहीं होता, लोग आते हैं थोड़ा थोड़ा ही घूम के चले जाते हैं, बट आई तो एंजॉय ट्रैवलिंग लाइक दिस एंड एक्सप्लोरिंग दिस व्यूज अमेजिंग। हाँ जी ये देखिए सामने मंदिर है, अब हमें शॉर्टकट से चल दिए, लेट्स गो। फिट है तुलसी राम जी आप? हाँ, दिस ब्यूटिफुल बैनियन ट्री, सो नाइस। ओह वाओ लुक एट दिस टेंपल मैन, क्रेजी। और इन पत्थरों को मैन्यूवर करते हुए नाइस, वो टेंपल है जी, क्या बात है। एंड वी आर आउट एंड वी हैव फाउंड द वे, सी इफ यू कैन सी द टेंपल फाइनली। ये सीताफल, ओह बड़े बड़े सीताफल है सर, ये तो देख रहे हैं पके हुए, पके हुए होंगे देख रहा हूँ वही। ये देखिए जी ब्यूटीफुल, दो दिन बाद कंप्लीट, दो दिन में कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल, तुलसीराम जी चेक कर रहे थे कि पकाए कि नहीं पकाए, और दो दिन में वो पक जाएगा। वाह भाई ये मंदिर है, मैं दूर से देख रहा था, दैट्स लाइक अ 52 डॉम्स लाइक दिस, 52 देवड़ी, क्या बात है यार, क्या बात है, लुक एट दिस ब्यूटीफुल टेंपल, वाओ ओह वाओ। किसी मूवी का सेट लग रहा है ये है ना, बिल्कुल सर, गजब। ये देखिए ऐसे 52 है, ऐसे टोटल 52, क्या बात है। यू कैन जस्ट वॉक अराउंड फॉर द नियर बाय प्लेसेस, देन यू फाइंड आउट द मेनी ब्यूटीफुल एंड सेंट टेंपल्स। हां करेक्ट, तो वो क्या विजिट करने का थोड़ा एक मजा है। सही बात है कि वाकई में हमने कुंभलगढ़ में कुछ देखा है। सही बात है, अदरवाइज जस्ट ओनली कुंभलगढ़ दुर्ग जो पैलेस है एज अ बर्थ प्लेस ओनली महाराणा प्रताप, एंड अदरवाइज ऑल द रूम्स आर एम्प्टी कंप्लीटली। हां जी हां जी, बट वी कैन फाइंड आउट द ब्यूटीफुल व्यू ऑन द टॉप। करेक्ट, इन द कंट्री साइड एरिया इन द कुंभलगढ़ इनसाइड द वॉल इट इज सो मेनी ब्यूटीफुल टेंपल्स। यस ब्यूटीफुल, ये ओवरवेलमिंगली ब्यूटीफुल है। पीछे सामने हमारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे के गार्ड बैठे हुए हैं। हाँ खड़ी हुकुम, कैसे, क्या नाम है आपका? हुसैन
हुसैन भाई अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है, मंदिर की रक्षा कर रहे हैं आप? कोई नहीं, अपन की खेती है। हैं, खेती है आपकी? क्या बात है। अच्छा, खेती वाले हो गया। मैं समझा घाट हो। क्या उगता है यहाँ पर? मक्का। सिर्फ मक्का ही है और भी कुछ है? ये क्या लग रहा है? मक्का है। नहीं, ये पेड़ पे फल लग रहे जो, अमरूद लग रहा है। बिल पत्र, बिल्लू है। अच्छा, क्या होता है ये? बिल पत्र है, ये शिव जी के चढ़ता है। अच्छा, और बिल्लू का इसका जूस बड़ा जोरदार बनता है। बेल गए क्या? बेल का शरबत। हाँ। जैसे बेल बोलते हैं। बिल्कुल, जो हाँ, बेल होती है ना। हाँ हाँ, बेल का शरबत बनाते ना, वो ठंडा गाढ़ा गाढ़ा रहता है। अच्छा, ये देखिए बेल का पेड़। टेम्पल के अंदर तो रोक लगा है, कुछ भी नहीं अंदर बंद। अच्छा, यहाँ से बाहर से देखेंगे फिर हम। कोई बात नहीं, ये देखिए यार, क्या ब्यूटीफुल बावन देवड़ी टेम्पल। में अंदर जाना तो अलाउड नहीं है, बट यार बाहर से क्या ब्यूटीफुल है। हुसैन भाई, आप तो किले में रह रहे हो बड़े सालों से, मतलब पीढ़ियों से। क्या बात है, देखो इस किले के अंदर लोग भी रहते हैं, हुसैन जी और उनका परिवार। क्या नाम है बेटा? इमरान भाई, इमरान खान। हाँ, बहुत बढ़िया। इनकी जनरेशन टू जनरेशन, जो फोर्थ जनरेशन फिफ्थ जनरेशन जाते हैं अपन, तो दे ऑल आर बिलोंग्स टू द महाराणा प्रताप सोल्जर्स। हाँ, ऐसा है। क्या बात है हुसैन भाई, ये किले में कितने लोग रहते हैं अंदर? 200 मकान है। करीब करीब 1000 लोग रहते हैं। 7-8 हजार वाकड़ू लागे रहोगे? मैं कहीं छोटा कासरिया ओहो आनंद जाता होगा, एक आधो मिल जाता तो। शुक्रिया। चलो भाई। अच्छा भाई इमरान, ख्याल रखना अपना। जंगल है, सांप वगैरह होंगे बहुत सारे। अरे सांप से क्या डरेगा इमरान, सांप पकड़ लेता है। पकड़ लेता है, खा लेता है सब्जी बना के। एक किसी की मजार है, जो महाराणा प्रताप जी थे उनकी जो फौज थी उसमें मुसलमान लोग थे, उनका जो सेनापति वो मुसलमान था, तो यहाँ पर बहुत सारे मुस्लिम लोग भी हैं जो कि किले के अंदर ही रहते हैं, और वो उस ज़माने से ही हैं। ये भी जैन टेम्पल नंबर 1, यहाँ पर इसके बारे में लिखा भी हुआ है, देखिए। जैन मंदिर सम। हाँ जी, इनका समूह है यहाँ पर। वाह, अब अपन शिव टेंपल चलते हैं। जैन टेंपल देख लिया, मजार भी दिख गई हमें, और अब ये आ गया जी शिव टेंपल। तो ये जो पूरा एक वॉक है, इसके अंदर आप छोटे छोटे अलग अलग मंदिर, छोटे बड़े मीडियम साइज, हर तरीके के आप अलग अलग शैली के मंदिर हैं बने हुए, ये उन्हीं में से है। यहाँ देखिए बेंचेस भी लगा रखे हैं, और वो सामने व्यू है किले का। यहाँ पर शाम को लाइट एंड साउंड शो होता। अच्छा, इसी जगह पे यहाँ पर शाम को लाइट एंड साउंड शो होता। क्या बात है, आइए थोड़ा विश्राम करें। महाराणा कुंभा का इष्ट देव कहलाते हैं। हाँ जी, और महाराणा कुंभा जब भी मंदिर में पूजा अर्चना करने यहाँ पधारते थे, तो यहाँ आकर के शिवलिंग के सामने नीचे बैठ करके और फिर अपना हाथ से पुष्प शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते थे। उससे अंदाजा लगता है कि महाराणा कुंभा की पर्सनालिटी क्या थी। सही बात है, और यही उनके मेन इष्ट देव थे, सारा काम उनका इनकी पूजा के साथ शुरू होता था। क्या बात है, क्या बात है, प्रभु देव।
जय भोले की, हर हर महादेव। मंदिर है दोस्तों, पार्षद नाथ जी अब यहाँ पर बाय बाय, तुलसीराम जी करेंगे यहाँ पर रेस्ट। ये नीलकंठ महादेव मंदिर में क्या बात है, ये देखिए यार बहुत बढ़िया। और हम चलेंगे अब ऊपर महल की तरफ। यू कैन ऑल्सो बाय सम सोवेनियर्स ऑफ कुंभलगढ़। क्या बात है, क्या क्या बनता है यार, देखो रजाई, ब्लॉक प्रिंट साड़ी, बंधनी, दोहर, क्या बात है। ये देखिए ये सारा लोकल वर्क, ब्यूटीफुल। कौन से होते हैं बंधनी? साड़ी। साड़ी हो ये? अच्छा बंधनी साड़ी, दोहर, ये दोहर है, ये दोहर है। तो ये यहाँ पे मशहूर है। थैंक यू, बाय बाय। लेट्स ट्रिप इंडिया, लेट्स ट्रिप इंडिया, बाय बाय। और ये देखिए यहाँ पर घर है, लोग यहाँ पर रहते भी हैं। राम राम जी, नमस्कार। देखिए और अब हम शुरुआत करेंगे कुंभलगढ़ दुर्ग में महल की। ये देखिए जी, और ये रास्ता जा रहा है ऊपर, पादल महल परिसर।